वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाइयों आज का कमेंट अरबाज शेख भाई ने कमेंट किया है कि इमरान भाई अगर हमारे घर का पट्टा घर से भाग जाए तो उसे वापस लाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता देते हैं कि देखो कई तरह की बातें ऐसी सामने हमारी जिंदगी में आ जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी पे या हमारे नाम के ऊपर या हमारे घर वाले के ऊपर किसी तरह का कोई दाग आ जाए तो हमें वो काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि कबूतरबाजी सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ भैया आज के टाइम में पैसा, पैसा सबसे बड़ा, पैसा रुपया। क्योंकि जिसके पास पैसा है रिश्तेदार भी उसी के, भैया भी उसी के, माँ बाप भी उसी के। अगर पैसा नहीं ना है कुछ काम नहीं आने का भैया, ना ये कबूतर काम आवे, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप काम आवे, ना भाई बहन काम आवे। पैसा है तो सब कुछ है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। पैसा है तो माँ बाप है, वरना नहीं। इधर इधर को पैसा, उधर को माँ बाप। तो प्लीज भाई बहन भी ऐसे ही, रिश्तेदार भी ऐसे ही। शादी में मेहमानदारी में वो वहीं जाएंगे जहाँ उनको नाश्ता पानी अच्छा मिलता है या कदर अच्छी होती है। आज के टाइम में पैसा सबसे बड़ा होता है, हकीकत में। तो प्लीज आप हमेशा कोई भी ऐसा काम ना करें कबूतरबाजी में जिससे कि कबूतरबाजी बदनाम हो या आपकी जिंदगी में कोई लाभ हो। हम आपको बता रहे हैं कि आपने करना क्या है। अगर बच्चा किसी और की छत पर चला गया, अगर आपकी नस्ल 100% सही है, उसमें ब्लड लाइन पीछे की क्या थी आपको नहीं मालूम, जिसकी कमी की वजह से बच्चा 100% बदन में, परों में, हर चीज में अच्छा निकला, मगर किसी भी कमी की वजह से, जैसे रात को बाहर रह गया या शाम के टाइम उड़ गया, कोई भी कमी की वजह से लगा लो बच्चा अगर किसी की छत पर चला गया, तो एक पॉइंट नोट करना। अगर आपका वो खास यार दोस्त है, अगर आपको खास यार दोस्त आपके मिलने वाला है, तो आप वहां पर जाए, जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ जी भैया, क्या चाल है, ठीक हो? हाँ, अरे यार वो पट्टा हमारा आ गया है तो, अरे यार पहुंचा देते यार, बच्चा अपने घर पर पहुंच गया। अगर ऐसा होता है फोन पर, अच्छा जी चलो ठीक है शाम को दे जाना, चलो ठीक है कोई बात नहीं जी, अल्लाह हाफिज। अगर ऐसी बात है तो पट्टा आप मंगा लो, ठीक है। अगर आपको डाउटफुल है, हेलो हाँ जी देने का नहीं तू, अच्छा देख ले, अच्छा नहीं होने का, मेरा पट्टा ये वो निशानी वगैरह, अच्छा उस्ताद को भेजूंगा, अच्छा नहीं देने का। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मतलब उस्ताद की बात पे भी मना कर रहा है, हर चीज पे मना कर रहा है, तो भैया जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अपनी जिंदगी में ऐसा रूल बांध लो जो सही होना चाहिए, आपकी इमेज बनी रहे। कबूतर जो घर से चला जाए उसका पन्ना ही फाड़ो जिंदगी में, गया तो गया। अगर मिलने वाले के यहाँ चला जाए तो खाली फोन कर दो, वो खुद ही दे जाएगा, या आपको लगता है कि मेरे कहने पर वहां बच्चा मिल जाएगा तो ले लो। अगर लगता है नहीं तो प्लीज यार लड़ाई झगड़े का घर मत, ठीक है, बेफिजूल में इमेज मत खराब करो। क्योंकि अगर गलत आदमी के घर चला गया हो, ठीक है, और आपके मोहल्ले में इमेज है आप पैसे वाले हो, अच्छे हो, ठीक है, और उसके घर चला जाए तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखा पकड़ लिया, अब बताऊंगा आने दो अब बताऊंगा, तो उनकी सोच उल्टी जाएगी, अब लगाऊंगा चक्कर, आने दो अब बताऊंगा मैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके आते हैं। अब आप वहां चले जाओ तो आपकी भी बेइज्जती होगी। बहुत से ऐसे होते हैं, हाँ जी दे दूंगा कल ले जाइयो, वो आपके चक्कर लगवाएगा, कोई नहीं जी आ जाना थोड़ी देर में फिर दे दूंगा, आपके चक्कर लगवाएगा, ऐसा होता है जिंदगी में। तो प्लीज आप ये गिरे हुए छोटे काम ना करें। अगर आपको लगता है कि खास बंदे, खास मिलने वाले के यहाँ गया है, तो आप बच्चे को ला सकते हो। क्यों क्यों लाना है इस बच्चे को, कि वो एक अच्छी ब्लड लाइन का था, कोई 19-21 गलती करने की वजह से, जैसे कि कह लो अभी अंडे का उसने एक पर भी नहीं छोड़ा है और अभी आपने उसकी उड़ान भी नहीं ली। एक होता है कि बच्चों के पर बाजू चालू है, ठीक है,
वो रमा है, रमा होया हुआ है, चक्कर काटा हुआ है, तो वो जल्दी से नहीं गिरेगा। और अभी अगर स्टार्टिंग में पहली उड़ान ले रहा हो अचानक गिर जाए तो आप ला सकते हो। अगर बच्चा हफ्ता 10 दिन उड़ा हुआ है उसके बाद अगर चला जाए बाहर बैठ जाए तो मत लाना, जोड़े को तोड़ देना हकीकत में भाइयों, क्योंकि बार बार ऐसी गलती करने से आपका नाम खराब होगा कि भाई के कबूतर का आजकल हम चलते फिरते यूं पकड़ लेते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करना, हमेशा ध्यान दो कि वीडियो में क्या सिखाया जाता है, आपको क्या बताया जाता है, कहां कैसी गलती होती है, जोड़े लगाने में कहां गलती हुई, बच्चा बाहर क्यों बैठ गया। तकरीबन यार बहुत वीडियो हमने डाल रखी है आप ही के लिए, ताकि आपका नाम खराब ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, डाली ना वीडियो। प्लीज वीडियो देखने पर जोर दे और जहां तक हो सके घर घर मिशन बनाने पर जोर दे, क्योंकि आने वाला टाइम साढ़े वायदा, ध्यान दे कि आने वाला टाइम आपका भी है, आपके घर भी अच्छी नस्ल होगी, आप भी नाम करोगे हाँ यार हम भी अच्छे कबूतर उड़ाने वाले हैं, हमारे घर का कोई बच्चा नहीं भागता। तो जोर दे वीडियो देखने पर कि हमने YouTube पर कितनी वीडियो डाली है, क्या बता रखा, क्या सिखा रखा है। दोस्तों हकीकत में 50% भी अगर हम आप हमारी वीडियो पर गौर दोगे ना तो आने वाले टाइम पर आपकी छत पर जरूर अच्छी नस्ल होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज घर घर नस्ल बनाने के लिए अपने मिलने वाले दोस्तों से कहें कि भाई अगर तू भी चाहता है कि तेरे घर बीमारी ना रहे या तेरे पास अच्छी नस्ल हो तो प्लीज भाई का चैनल देखो और घर घर नस्ल बनाने पर पहल करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम खाली बोलते जाएंगे आप सीखते जाओगे, तो यार जो भाई ने अभी हमारे चैनल बहुत से अभी नए कमेंट आते हैं, भाई मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूं, मैंने तो आपको पहली बार देखा यार, वाकई में मजा आ गया, आपने क्या क्या बातें बता रखी है। तो अजीब सा लगता भाई, अभी बहुत से हमारे ऐसे हैं जिन्हें हमारे बारे में अभी पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्लीज अच्छा काम करोगे तो आपका नाम होगा। ठीक है, खाली शौक के बारे में कह रहा हूं, अभी तो अच्छे काम तो बहुत है। अगर आप अपने मिलने वाले जितने भी कबूतरबाज भाई हैं सबको अगर बताओ कि यार ये चैनल देखो, ठीक है चैनल देखो और अपने कबूतर में सुधार करो, चैनल देखो इनकी बीमारियां ठीक करो, चैनल देखो बच्चे कैसे पलवाने हैं, चैनल देखो कितनी तबीयत होनी चाहिए, कबूतरबाजी कैसे करनी चाहिए, चैनल देखो। तो प्लीज छोटी मोटी बातों में किसी के ना करके अपना नाम अपनी इज्जत बचा कर रखे, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया बाकी तात भैया, तो किसी के चक्कर में ना आए, कारोबार करे, बिजनेस करे आप अपना, जब तक बिजनेस कारोबार ना हो कबूतरों में ना बढ़े, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो माँ बाप रिश्तेदार सब है, कबूतर भी है शौक भी है, नहीं तो भैया क्या तात भैया करते रह जाओगे, जिंदगी में नाम बदनाम हो जाएगा, कोई आपको घास भी नहीं डालेगा। जैसा इस टाइम माहौल चल रहा है, जैसा इस टाइम कारोबार चल रहा है ना लोगों का, कितना तरक्की पे है कारोबार, कितना तरक्की पे है सबको मालूम है, मगर नहीं बोल नहीं सकता कोई भी। तो प्लीज कारोबार की तरफ ध्यान दो, कबूतरों की तरफ कम ध्यान दो आप, और जहां तक हो सके अपने भाइयों को सही रास्ता दिखाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि आपका ये भाई क्या कर रहा है।